हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और घर की साफ़ सफ़ाई मेकओवर सब लोग लगे होंगे तो आज भी घर का मेकओवर होने वाला है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ हम ही लोगों के रूम का मेकओवर हो कल आप लोग देखें कि हम लोग का जो बेडरूम है उसका थोड़ा सा हेयर फेयर हुआ है और आज सुबह उठते के साथ सबसे पहला जो काम था वो वॉशिंग मशीन ऑन करना था क्योंकि पर्दा उर्दा धोना ही ये पर्दा ना वैसे साफ ही था अभी कुछ दिन पहले ही हम चेंज किए थे लेकिन हम सोचे जब धो ही रहे तो लाओ सब कुछ एक साथ ही धो देते हैं तो यहाँ पे पर्दा निकाल रहे हैं और अभी तक जीशु नहीं उठा जिसू सो रहा है जिया उठ चुकी है और अभी तक फ्रेश व्रेश इधर उधर हो रही है तब तक हम अपना बाकी का काम कर लेते हैं तो आज ना इस रूम से तो कोई मतलब है नहीं इस रूम का कुछ नहीं करना है इसीलिए हम सुबह उठते के साथ इधर का चादर ओर्दर सब कुछ ठीक कर चुके हैं चादर अभी चेंज नहीं किए हैं और कल गए थे ना मार्केट तो चादर एक ही लेकर आए थे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था तो एक चादर लेके आए और वो बोले हैं कि एक दो दिन में दे देंगे देखिए देते भी है कि नहीं देते क्योंकि अधिकतर इनके पास ना चादर ही नहीं होती है तो उधर से तो पर्दा उर्दा निकाल चुके और उसके बाद आ चुके इधर सीढ़ी पास तो यहां पे जो है जो प्लांट लगा प्लांट आर्टिफिशियल वाला जो मनी प्लांट तो ये है बहुत ही ज्यादा ना निकल रहा था तो हम सोचे कि एक बार इसको पूरा निकाल देते हैं निकाल के इसको धो देते हैं और उसके बाद सही से इसको लगा देते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया तब से लगाए तो धीरे धीरे कर करके ना एक, -एक इसमें से गिरता जा रहा फिर गिर जाएगा फिर इधर उधर हो जाएगा तो इसको सही से कर लेते हैं तो वहाँ से पूरा निकाल चुके हैं और उसके बाद जिया भी यहाँ पे लग चुकी है आ चुके हैं आगे वाले रूम में तो इसका जो पर्दा है ये तो गंदा हो ही गया क्योंकि ये काफ़ी टाइम से नहीं चेंज हुआ था और ईद या बकर शुबरात ऐसा ये होता है ना उसी समय सब जो साफ सफाई होता है तो उसमें सब चीज़ की साफ़ सफ़ाई हो जाती है और घर देखने में भी अच्छा लगता है थोड़ा सा मेहनत लगता है क्योंकि एक साथ पूरा बर्डन आता है ना तो थकावट तो हो ही जाती है तो यहाँ पे पर्दा भी निकाल चुके और सोफा का कवर ये सब ना अभी जब हम गए थे शायद इलाहाबाद गए थे या लखनऊ गए थे तब जिया चेंज करी थी लेकिन अभी क्या है कि नया वाला जो सोफ़ा का कवर है ना जो पिछले साल भी ईद में नहीं लगाए थे और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दी सोफ़ा का जो नया वाला है वो लगाइए वो लगाइए तो इस बार सोचिए कि वही लगा लेंगे तो जितना भी सोफ़ा का कवर सब कुछ था उसको निकाल के और वॉशिंग मशीन में डाल दिए जीसू का यहाँ पे रूम खाली हो रहा है रीजन ये है कि जीशु को ना अब अपने रूम का ना लुक थोड़ा सा चेंज करना था तो वो बोला ना कि मम्मी बेड हटाएंगे तो हम कह चलो ठीक है बेड हटा देते हैं और हम लोग को भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी क्योंकि अंदर जो बेडरूम में सो रहे थे ना जिया आगे वाले रूम में नहीं सो रही थी क्योंकि वहाँ का जो पंखा है वो थोड़ा दूर पड़ता है तो जिया के पास ना हवा नहीं आती है तो हम लोग तीनों लोग ना अंदर बेडरूम में सोते हैं जो कि फिट ही नहीं हो पाते बच्चे बड़े होते हैं तो नहीं हो पाते तो जब जीशु बोला कि ये वाले जो दीवान है ये बाहर निकाल लेंगे, तो हम मुझे बस पहला ऐसा लगा कि यहाँ पे हॉल में ही दोनों दीवान को ज्वाइन कर देते हैं ताकि ये बेड थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा और हम लोग यहाँ पे सेट भी हो जाएंगे और ये वाला जो हॉल है ना गर्मी के टाइम में इतना ठंडा रहता है यहाँ पे आप सिर्फ पंखा भी चला के अगर सोएंगे ना तो भी बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है बाकी बेडरूम तो बहुत जैसे ना आग की तरह जलता रहता है उधर सुबह से ही धूप आ जाती है तो इस वजह से तो जीसू के रूम का जो बेड है अभी हम जैसे ही गए ना होल्ड करने के लिए ये लोग हमको ये सब काम नहीं करवाते ऑपरेशन के बाद ना पेट में दर्द होने लगती है इसीलिए तो जितने स्पीड में हम गए थे उतनी स्पीड में हम वापस भी आ गए दोनों मेरे पर गुस्साने लगे तो तो यहाँ पे देखिए तो ये वाला बेड तो सेट हो गया और जिसू के दीवान का जितना भी सामान था वो सब बाहर आ चुका है और अब क्या करेंगे जो जीशु का दीवान का जो सामान है ना वो उसके दीवान में सही से सेट कर देंगे हेलो गाइस जिसु का रूम धुला रहा है वो आप अपने से धुला रहा है देखिए कोई नहीं है यहाँ पे <laughs> सब यहाँ पीछे ये देखिए एक जन और जीसु का यहाँ पे वीडियो बन रहा है मेरा लिए पूरे घर का हालत देख लीजिए गाइस ये देखिए हम्म

तो आप लोग देखिए कि जीसु गिर गया था अब ना इतना सारा इसमें सर्फ डाल दिया था सर्फ़ डाल के और अच्छे से रगड़ के तब धो रहा था तो स्लिप तो करेगा ही तो यहाँ पर वो धो चुका है और जिया लास्ट में जो पानी है वो सुखा रही है ताकि जल्दी से सूख जाए ये ऑफिस से आ चुके हैं और उसके बाद ना यहाँ पे जीसु का कुछ बेड तैयार हो रहा है और बाकी जो फुल लुक है वो आपको जीसु के ही ब्लॉग में मिलेगा यहाँ पे ये वाला जो दीवान है ना जो आगे वाले रूम का वो भी दीवान यहाँ पर आ चुका है और बाहर ना बारिश हो रही है मौसम फिर से चेंज हो गया अभी इतनी भयंकर वाली गर्मी पड़ रही थी फिर जब बारिश हुई ना तो मौसम फिर से ठंडा हो गया और हर घर में अब आपको तबीयत खराब सबका मिलेगा हमारे यहाँ तो जिसु को आज चार पाँच दिन हो गया लगातार उसको ना फीवर भी आ रहा है सर्दी भी है बॉडी पेन भी है और आज से तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरी भी तबीयत क्योंकि मौसम जो चेंज हो रहा है ना उसकी वजह से काफी सबकी तबियत खराब हो रही है तो ये वाला जो दीवान है ना एक दीवान की हाइट थोड़ी सी कम है तो जब उसमें गद्दा लगाते हैं ना तो ऊपर नीचे हो जाता है तो इसीलिए ये वाला जो है ये सब इसमें लगा देते हैं छोटू पुटुरू ताकि वो जो लेवल है वो मेंटेन हो जाए और बीच में जो सोए उसको कोई दिक्कत भी ना हो और बारिश हो ही रही है उससे क्या ना कि बाहर का जो है वो भी पानी पानी किचड़ पिचड़ हो गया है और यहाँ पे कितना भी साफ़ कर लीजिए लेकिन दो बार हो गया सुबह से हम लोग पोछा ओछा लगा दिए एक तो जब हम सुबह नहा के आए उसके बाद देखे तो पूरा पानी पानी हो गया था और पैर का जो गंदा जो निशान का कि भाई बच्चे बाहर से अब बाहर से क्या ना जो रूम धो रहे ना तो अंदर बाहर अंदर बाहर किए तो उसमें ना दिक्कत हो गया फिर उसके बाद झाड़ू पोछा किए लेकिन कुछ भी नहीं आराम तो अभी जो शाम के टाइम हम सोचे कि लाओ थोड़ा सा पानी डाल के ना धो ही देते हैं झाड़ू पोछा करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था तो हॉल में तो पानी डाल के धो चुके और उसके बाद आ चुके हैं आगे वाले रूम में तो यहाँ पे भी थोड़ा सा पानी डाल के और साफ कर देते मुझे ये ज़्यादा ईजी पड़ता है और बहुत अच्छे से कोने कोने से भी ना क्लीन हो जाता है मुझे ये लगता है क्योंकि पोछा ओछा ना एकदम कोने तक नहीं जा पाता है उसके बाद यहाँ पर अंदर हॉल में बेड के ऊपर गद्दा उद्दा लगा चुके हैं और जिया ना सामने में पर्दा भी चेंज कर दिए पर्दा नया मंगाए हैं और नया आज से नहीं मंगा रहे जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना तब तो से ये पर्दा आ रहा है कौन सा पर्दे की बात करें वो आप लोग को आगे बताएंगे तो वो वाला जो पर्दा है ना बहुत अच्छी क्वालिटी का है हाँ थोड़ा सा महंगा है और थोड़ा सा मतलब कि पाँच सौ के अंदर ही है तो हम लोग ना एक बार में नहीं मंगाए थे हम लोग ना चार बार में चार पर्दा मंगाए थे और बहुत अच्छी क्वालिटी कोई भी इस्पॉन्सर नहीं है आप चाहें तो इसे भी आप मंगा सकते हैं आगे मैं उसको बताऊंगी ये वाला जो चादर है जब कल हम लोग चादर लेने के लिए गए थे ना तो ये वाली जो चादर है ये लेकर आए हैं और एकदम बेड पे ना एकदम फिट हो रहा है और हमको पहले से ही पता था कि ये वाला जो बेड है ये ऐसे सेट होने वाला है बीच में सिंगल सिंगल हो गया था तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी ये बड़े वाले चादर की लेकिन हाँ मुझे पता था इसीलिए चादर बड़ा वाला लेकर आए हैं पूरा सेट हो चुका है और आप लोग सोच रहे होंगे आज ही क्यों बिछा दिए क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था चादर ही नहीं थी और यहाँ पर साइड में लगा देते हैं ये आर्टिफिशियल वाला फ्लावर फ्लावर वास, फ्लावर पॉट जो भी कह लीजिए ये वो है तो यहाँ पे ना हम फ्लावर ही लगा रहे थे तब तक, तक ये आ गए तो यहाँ पे ना पंखा खराब हो गया है तो इसीलिए लेकर आए फिर कूलर अंदर से और हम लगा भी यहीं पर सोएंगे तो काफी अच्छा भी मुझे लग रहा है इधर ना हॉल में अच्छा लगता है खिड़की उड़की है जो भी आता है तो यहीं पर बैठ जाता है बेडरूम का उतना झमेला नहीं है तो ये और अभी इनसे हम बोल बोली रहते हम कि जब आप आ गए हैं तो पर्दा भी लगा दीजिए थोड़ा सा लुक चेंज और ये जो पर्दा लगाने का एक मेरा ये भी था कि कभी अगर मान लीजिए कोई मेहमान आए या आगे भविष्य में तो मैं आप लोगों से कह कही थी ना कि ये वाला हम बेडरूम बनाना चाहते हैं तो पर्दा हैवी वाला मंगा लिए हैं जिसकी वजह से अगर मान लीजिए कोई सो भी रहा है तो पर्दा लगा दिए और आने जान जाने वाले लोग अपना आते जाते रहेंगे तो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये वाला जो पर्दा मैं बात करी थी ये ये है और ये पर्दा ना बेलबेट का है अगर आप ऐसे जैसे उतर ना बहुत सारे लोग नाइट शिफ्ट करते हैं और दिन में चाहते हैं कि पूरे रूम में अंधेरा रहे तो भी ये पर्दा बहुत अच्छा है और एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं है अगर आप लगा लेंगे ना तो रूम एकदम अंधेरा अंधेरा सा लगेगा इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है आप जाके और मैं ना फ्लिपकार्ट से ली थी तो आपकी मर्जी है वैसे ये अमेजान पे भी है जहाँ पे आपको कम प्राइस में मिले वहाँ से ले लीजिए लिंक अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं दे दूँगी नहीं तो अगर आप देखेंगे भी ना तो भी आपको मिल जाएगा तो मैं इसके बारे में पूरा डिटेल भी आप लोगों को दिखा भी दूंगी ऐसे ना रात में दिखा नहीं पाए थे क्योंकि ये सब चीज़ करते करते ना फिर लेट हो जाता है और ध्यान से भी उतर जाता है कि हाँ एकदम पूरा दिखाना है और जब हम कोई चीज़ जब मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उसके बारे में बताती हूँ तो फिर आ, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये शायद इस्पॉन्सर है ये तो ये स्पॉन्सर बिल्कुल भी नहीं है और मैं फिर से बता रही हूँ कि ये हम लोग ना एक एक पर्दा मंगाए थे क्योंकि हम लोगों के बजट के बाहर हो रहा था तो एक बार में नहीं मंगा पा रहे थे तो हम लोग एक एक करके और फिर चार बार अभी दो पर्दा और मंगाएंगे वो पर्दा मंगाएंगे खिड़की के लिए क्योंकि मुझे इसकी क्वालिटी काफी अच्छी लगी ना इसीलिए तो पूरा एक ही पूरा सेट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे पर्दा ऐसे लगा के जब हम फोल्ड किए ना तो वो पर्दा ना खिसक रहा था तो हम इनसे बोले ना कि आपस में उसको बांध दीजिए तो ये चढ़ के ना फिर आपस में सबको बांध दिए हैं तो अब ये जो पर्दा ना ये खिसकेगा नहीं सब एक में ना जुड़ा हुआ रहेगा और बाकी आप लोग बताइएगा कि ये पर्दा कैसा लग रहा है चलिए बहुत सारा काम हो गया और मेरी एनर्जी ड्रिंक का भी टाइम हो गया और हम इनका वेट कर रहे थे कि ये आएंगे फिर हम लोग एनर्जी ड्रिंक पियेंगे तो बस यहाँ पे चाय आ चुकी है और आज का जो हम लोग का इफ्तारी था वो आरजू के तरफ से था तो आरजू के यहाँ से पूरा इफ्तारी आया था और साथ में यहाँ पे बिरयानी भी आया था सैलेड भी आया था तो बाकी जो फ्रूट फ्रूट्स था जो सब था वो हम लोग खा चुके थे लेकिन बिरयानी नहीं खाए थे तो ये आए तो ये थोड़ा अपना खाए वाए सब लोग खाए और भी ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है और देखिए तो हम लोग ऐसे ही जब हम लोग सुबह उठे ना तो जिया अभी सो रही है तो ये पर्दा लगा दिए हैं अंदर कूलर भी चल रहा है और आप लोगों को अब अच्छे से ना पास से दिखाते हैं कि इसमें ना गोल्डन का काम किया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट है और मोटा है मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप नॉर्मल अगर पतला पर्दा भी लेना चाहते हैं ना तो भी आपको तीन सौ चार सौ का ही मिलेगा तो ये बहुत ही अच्छा बेस्ट ऑप्शन है और जो डार्क कलर वाला है वो तो अंधेरे के लिए काफ़ी अच्छा है कि अगर दिन में सो रहे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और हम लोग मंगाए हैं नौ फीट का क्योंकि हम लोग को काफ़ी अच्छी हाइट चाहिए थी आप चाहे तो सात का भी मंगा सकते हैं पाँच का भी मंगा सकते हैं उसके बाद हम लोग बाहर का इधर का एरिया धोने लगे थे क्योंकि बच्चे बच्चे सब सो ही रहे हैं और फिर ये भी ऑफिस निकल जाएंगे तो हम सोचे कि क्यों ना काम वम करा ले तो बाहर का भी इधर का एरिया भी साफ़ हो चुका है एक दिन में ना कुछ भी नहीं होने वाला है तो हम लोग जो ईद की जो तैयारी है वो धीरे धीरे कर रहे थे सवेरे उठे तो वॉशिंग मशीन ऑन कर दिए कुछ है कि जो कल धोए थे लेकिन हम तार पर डाल नहीं पाए थे क्योंकि बारिश होने लगी थी आंधी तूफान ये सब था तो वो सब रह ही गया था तो सुबह उठते के साथ सबसे पहला वाला ये काम कर लेते हैं और इनसे भी बोले कि ये भी आ जाएंगे तो जल्दी से काम हो जाएगा और मुझे जैसा कि मैं बता रही थी ना कि मेरी तबीयत इधर भी पता नहीं क्यों ठीक ही नहीं हो रही है ठीक ही नहीं हो रही है पहले बी पी लो की प्रॉब्लम थी और अभी वीकनेस इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा बॉडी में पेन और रोज़ मैं दवा खा रही हूँ कॉम्बी फ्लैम तो एकदम ख़त्म ही होता जा रहा है और बिना दवा खाए तो मुझसे काम ही नहीं हो रहा इतनी ज़्यादा थकान हो गई है तो पर्दा वर्दा जो है उसको अच्छे से पहले डाल देते हैं और धूप इतनी तेज वाली है ना कि मेरे ख्याल से आधे एक घंटे में ना सारा सूख जाएगा क्योंकि सब ड्रायर में पहले ड्रायर कर चुके हैं तो ज़्यादा इसकी धूप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर चलते हैं और इनको भी ऑफिस में जाने का टाइम हो गया है और पहले ना हम मेरा यह अधिकतर का है आप लोग भी जानते हैं कि मेरी ये ही हो गई है कि मैं जब ना काम स्टार्ट करती हूँ ना भले मेरी तबीयत कैसी भी हो ये लगता है ये भी कर लो वो भी कर लो ये भी कर लो वो भी कर लो तो यही सब होता है तो ऊपर से आ चुके हैं नीचे और आप लोगों को दिखाए कल इनके ना कल इनके खेत में रात में ना गाय घुस गई थी दो गाय घुसी थी और जिया को ऐसा लगा ना कि चोर घुसा है तो हम लोग जब बाहर आए तो पता चला कि गाय भगाते, भगाते भगाते भी ना, इनका ना खेत बहुत नुकसान हो गया प्याज ना अधिकतर वो गाय खा ली थी और फिर उनको रात में हम कॉल किए वो बेचारी फिर आई और उसके बाद फिर गेट वोट अपना लगाई क्योंकि हम लोग तो यहाँ से कुछ कर नहीं सकते भगा तो दिए थे लेकिन उनके खेत का ना काफ़ी नुकसान हो गया जो इतना मेहनत करता है वो उस चीज़ को समझ सकता है कि उनका कैसा हुआ तो चलिए सोचे कि आप लोग के साथ भी शेयर कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर जिया आ चुकी है जाला साफ करने के लिए और उसके बाद ना पर्दा भी सूख जाएगा तो लगे हाँ तो पर्दा भी लगा देते हैं और आज तो जैसे कि ईद कब है अभी कुछ भी क्लियर नहीं है तो हम सोच रहे थे कि आज ही पूरा रूम को डेकोर कर दें नहीं कर दें कर दें नहीं कर दें अभी यही चल रहा था तो यहाँ पे जिया को बोले कि सबसे पहले तुम जाला साफ कर लो और कितना भी देख लीजिए कितना भी लेकिन ना वो जाला कहीं ना कहीं छूट ही जाता है तो अभी जिया करेगी उसके बाद फिर हम भी लेकर करेंगे बड़ा घर है चाहे छोटा घर है जाला है कि वो लग ही जाता है तो इधर से सब कुछ साफ़ हो चुका है और बाकी इधर सोफा का कवर ओवर तो सब गायब हो ही चुका है बड़ा ना अजीब सा लग रहा था कि हाँ पूरा घर एकदम लेकिन हाँ कोई चीज़ को नए करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है उसके बाद हम लोग कालीन लेकर आ गए कालीन धोने का कुछ भी प्लानिंग नहीं था ये हुआ था कि झाड़ के और फिर से लगा देंगे तो फिर जब हम इधर डाल ले तो हम उसे लाओ पानी डाल के और इसको रगड़ ही देते हैं तो हम रगड़ रहे थे तब तक जीशु भी आ गया मेरी हेल्प कराने के लिए और जिया भी खड़ी थी जिया ना यहाँ पर हैंडपम्प चला रही थी ठीक है सोफ़ा का कवर ओवर सब कुछ रेडी है लेकिन अभी लगा नहीं रहे हैं क्योंकि सोच रहे हैं कि हाँ कालीन भी सूख जाए और उसके बाद लास्ट टाइम में यहाँ पे सोफा का कवर ओवर लगाएंगे और अभी जब हम लोग इलाहाबाद गए थे ना तो वहाँ से भी कुछ लेकर आए हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो भी नया नया ही लगा देंगे और कालीन अभी तक सूखा नहीं है धूप उतनी हो नहीं रही थी ना जैसे धूप छांव और नीचे का जो एरिया था बस वही बाकी है तो मेरे ख्याल से अब कल इसका अच्छे से मेकओवर होगा आज इंतज़ार कर लेते हैं उसके बाद अभी शाम का टाइम है पर्दा उर्दा सब कुछ सूख चुका था और आगे वाले रूम में तो लगा ही चुकी थी और ये वाले रूम का था तो हम बोले इसको भी लगा दो बेटा तो जी हाँ यहाँ पे पर्दा लगा रही है और वो वाली जो फ़ोटो है ना जो ऊपर में ड्रेसिंग टेबल आप लोग पहले नहीं देखे होंगे ये अभी हाल ही में आया ये फ़ोटो इनकी बहुत पुरानी फ़ोटो है पहले जहाँ जैसे कि घर पर जहाँ पर सब लोग रहते हैं तो वहाँ पर इनकी फ़ोटो लगी थी तो जब अभी साफ सफाई हुआ ना तो फोटो हम लोग को मिल गई और इनकी बहुत पुरानी पहले हमेशा उनकी जो डोर पे ना टंगी रहती थी कि इससे पता चलता था कि हाँ ये रूम इनका है और इनको ना फोटो वोटो का बहुत शौक है ये चीज़ है तो यहाँ पे जिया भी ना तो अभी पौने आठ हो रहा है और जा रहे चादर लेने के लिए चलो जिया भी तुरंत आ रहे हैं बेटा छत पे आज हवा तो नहीं न चल रहा है आंधी तूफान आ है क्या तो हम लोग गए थे चादर लेने के लिए चादर नहीं मिला उसके बाद आ चुके हैं जिया के लिए ना ईद का ड्रेस लेने के लिए तो ले चुके हैं इनकी जो शॉप है वो काफ़ी अच्छी थी बहुत ज़्यादा भीड़ था इसीलिए मैं वीडियो शूट नहीं करी अच्छा नहीं लगता ना लेडीज़ थी तो बस थोड़ा सा क्लिप बनाए हैं और क्या लिए हैं वो आप लोग को ईद में दिखाएंगे फ़िलहाल के लिए हम लोग रुक गए थे यहाँ पे इनको बोले ना कि चलो प्यास लगी है तो गन्ने का जूस आजकल क्या है जब भी निकलते हैं तब से हम लोग गन्ने का जूस जरूर पीते हैं तो कुछ राशन का सामान भी आ चुका है ये क्या है ये चावल का आटा मंगाए थे और ये है काजू चाय पत्ती ये है सेवई ये है इमामी सेवई छोला मसाला है और जैम है और आते के साथ जल्दी जल्दी आटा आटा साने हैं और अंडा चढ़ा दिए हैं अंडे आलू की सब्जी बना देंगे जल्दी से और टाइम दिखा दे तो अभी साढ़े नौ हो गया है बहुत ज़्यादा लेट हो गया और साथ ही साथ में ना थ्रेडिंग भी बनवा चुके हैं ये देखिए थ्रेडिंग से ना पूरा फेस ही एकदम चेंज हो जाता है अगर खराब बन गया तो पूरा वाप चेंज हो जाएगा बहुत ही ज्यादा ना थक चुके हैं थक के अब बस अब ये लगता है ना कि बेड पे ही चले जाए सो जाए सुकून वाली नींद लेकिन काम बहुत ज्यादा है